हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं आमिर गाइड। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना जो बिल है वो इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास आपका बिल नहीं आता तो आप इंटरनेट पर कैसे चेक कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जब कोई आपकी रीडिंग करके ले जाए तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, यानी आप बिल आने से पहले बिल को चेक कर सकते हैं कि आपका बिल इस माह कितना आएगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वीडियो को, तो कंप्लीट देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम तर नई अपडेट वीडियो टाइम पर आपको मिलती रहे। तो इसके लिए फ्रेंड, अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, उसमें आपने अपना जो क्रोम ब्राउज़र है ओपन करना है। उधर आपने सर्च बार में जाकर लिखना है जो भी आपकी सिटी है। अगर आपकी सिटी मुल्तान है तो आपने मैस्को लिखना है, अगर आपकी फैसलाबाद की सिटी है तो आपने फैसको लिखना है। जैसे गुजरांवाले की सिटी है तो आपने जस्ट जी पहले लगाना है, बाकी यही वर्ड यूज़ करने हैं, जैसको लिख देना है। जो भी आपके सिटी के रिलेटिव भी, जो भी आपके वापडा के जो ऑफिस है, जैसे फैसको है, मैस्को है, तो जैसको ऐसे ही आपने लिखना है। मेरा जैसे फैसको है फैसलाबाद से, तो मैं फैसको पे इधर सर्च करता हूँ, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ सर्च बार में फैसको ऑनलाइन बिल डी। ये देखिए, मैं पहले भी सर्च कर चुका हूँ तो ये मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। तो इसके बाद जो पहली वेबसाइट आएगी जस्ट वो आपने ओपन करनी है। अगर आप फैसलाबाद से तो आपने फैसको करना है, अगर आप कहीं और से है तो आपने अपने इलाके के हिसाब से, जैसे मैस्को है, जैसको है, तो आपके इलाके में जो भी वापडा कहते हैं जिस, आपने वही चूज़ करना है, ठीक है। मैं तो इधर फैसलाबाद ऑनलाइन बिल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। पहले नंबर पे ही मेरे पास है तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। तो नेटवर्क काफ़ी स्लो लग रहा है यार, तो मैं दोबारा सर्च करता हूँ। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन ये वीडियो जो 100% सच है, और इसके ज़रिए आप अपना बिल है या किसी का बिल भी है ईजी से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास पेज खुलकर आ चुका है। इसके बाद अगर इधर आपका मुकम्मल बिल आ जाएगा, उसके बाद आप फोटो कापी के ज़रिए बिल को नकवाल कर भी अदा कर सकते हैं। अगर आप वैसे चेक करना चाहते हैं कितना बिल आएगा या कितना बिल आया है, तो आप इधर से ईजी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड, ये देखिए हमारे पास आ चुका है रेफरेंस नंबर, ठीक है। इधर आपने अपने जो आपके पास आपका बिल होगा, पुराना बिल होगा, चाहे वो आपने अदा किया है या नहीं किया है, उस पे आपको जहाँ पर आपका नाम लिखा होता है, नाम एड्रेस लिखा होता है, ठीक उसी के ऊपर आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो जस्ट आपने वो इधर दर्ज कर देना है। तो मैं इधर लिखता हूँ अपना जो मेरा रेफरेंस नंबर है, जिस पहले ही मैंने लिख चुका हूँ मैं, जैसे 01 13, ये मुकम्मल मैं इधर क्लिक करता हूँ। जिसके बाद मैंने सबमिट कर देना है, जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, उसके बाद जस्ट आपने सबमिट कर देना है। 1400 का नंबर होगा जिसमें आपने स्पेस नहीं डालनी और आपने यू भी नहीं डालना। तो इसके बाद फ्रेंड, ये देखिए जो फैसको फैसलाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी से तमाम बिल आ चुका है। जैसे बिल आता है वैसे ही आपके सामने ये बिल आ चुका है, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा भी देता हूँ। ये जो मैंने कोड डायल किया था रेफरेंस नंबर, ये देखिए, ये बिल आता है, बिल के नीचे आपका नाम एंड एड्रेस लिखा होता है, इसके ऊपर ही आपका जो रेफरेंस नंबर है वो लिखा हुआ है, जस्ट वो आपने लिखना है और आपका बिल आपके सामने आएगा। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि इसमें आपको कितना बिल आया है या कितना बिल आएगा। ये देखिए, ये 8620 रुपये, इसके बाद जितना टैक्स अदा कर, अगर आप नहीं अदा करते तो जो जुर्माना होगा वो डालकर जितना आपको आएगा, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन और जितना आपका यूनिट है वो सब कुछ इधर नोट आ चुका है, ठीक है। तो मुकम्मल आप यहाँ से अपना बिल निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि यार अगर हमारे पास इंटरनेट का जो आपका बिजली का बिल नहीं आता, या फिर आपका जो बिल है वो आप पता करना चाहते हैं कि इसमें कितना आएगा, तो इजी ट्रिक से आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।